आज ना मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। बहुत ज़्यादा वो अपसेट थी, बहुत अपसेट साउंड कर रही थी। कुछ कारणों से उसको ये लगने लगा है कि इतने एफर्ट्स डाले, इतने कर्म किए, मगर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। जिसके चलते वो ये भी कह रही थी कि यार मुझे ना कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कर्म नहीं करना है। अब मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक रूम में खुद को लॉक करूँ और मैं हाथ पे हाथ रखकर वहाँ शांति से बैठ जाऊँ। मुझे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती हूँ। इतनी अपसेट थी वो, जाहिर सी बात है कि वजह भी उसकी बड़ी ही होगी। तो एट द एंड उसने यही बोला कि मैं कर्मों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं कोई कर्म नहीं करना चाहती। पर यार क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सबकी है। बात सिर्फ इतनी है कि आज उसको ये महसूस हुआ। कभी मुझे भी ऐसा लगता है, कभी ना कभी लाइफ में आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा, कभी ना कभी ये ख्याल हम सबके मन में आता है जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। पर कर्म एक ऐसी चीज़ है ना यार, कि जिनसे हम चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। हम कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते। ये जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये सब भी तो कर्म ही है। तो कर्म करने से तो इंसान खुद को कभी रोक ही नहीं सकता। अगर वो ये सोचता है ना कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एकदम खाली बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने कर्म को एकदम ज़ीरो कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, तो फ्री बैठना भी कर्म ही है। हर कर्म का रिजल्ट मिलता ही है। कोई इंसान कुछ काम करता है तो उसे उसका भी रिजल्ट मिलता है। कोई फ्री बैठने का कर्म करता है और उसे लगता है कि मैं अब कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, पर फ्री बैठना भी कर्म ही है। हर कर्म का रिजल्ट मिलता है, जल्दी या बाद में। हम जो एफर्ट्स डालते हैं, हम उसके लिए पेशेंस रखकर इंतज़ार करते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं। जब आप सारा कुछ चेक करके, सारी टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ चेक करके, अपना रिजर्वेशन करवा के, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग प्लान करके रेलवे स्टेशन जाते हो, तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि आपको उसी वक्त पे ट्रेन मिल जाती है जिस वक्त का आपने सोचा होता है, जिस वक्त की आपकी टाइमिंग होती है ट्रेन की? कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन घंटों घंटों लेट आती है, मगर आप शांति से वहाँ उसका वेट करते हो ना। बहुत ही ज़्यादा लेट होती है तो आप घर पर आ जाते हो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी टाइम का रहता है, उतने टाइम बाद वापस आप स्टेशन जाकर अपनी ट्रेन ले लेते हो। तो वही है कि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, उसके रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं। परेशान हो जाते हैं हम या हम अपसेट होते हैं, तो ऐसे में ये सोचना कि अभी मुझे सिर्फ खुद के साथ में रहना है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके लिए तो खैर इंसान को परेशान होने का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मगर तब भी कभी कभी इंसान को अपने खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। अपने आप को वो एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए कि जिसमें उस पल में आपके साथ में कोई और ना हो, आपके साथ में सिर्फ एक पर्सन हो और वो आप खुद हों। अपने साथ में टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अगर आप ये सोचें कि मेरा कर्मों से पीछा छूट जाए, मैं कुछ भी कर्म ना करूं अब, तो वो तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि सांस लेना भी एक कर्म है, और आप चाहो कि मैं इसे रोक लूं, तो एक पॉइंट पर आकर ना आप सांस के लिए तड़पने लगोगे और आप उस सांस को ले लोगे। सांसें हमें तब तक मिलती हैं जब तक कि हमारी लिखी होती हैं, वो भी हमें गिनी चुनी ही मिलती हैं। तो आप सांस रोकने की भी कोशिश करोगे ना, तो घबराहट होने लगेगी एक पॉइंट पर आकर, और आप सांस ले लोगे, मगर जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएंगी ना, अभी तो चलो ऑप्शन है, नहीं रोकी जा रही तो ले लो, बट जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएंगी ना, जितनी भी गिनी चुनी मिली हैं, उस दिन हम लेना चाहेंगे भी ना, तो भी हम ले नहीं पाएंगे। वो वाला पॉइंट है जहाँ तक कर्म करने पड़ेंगे, और चाहकर भी हम उनसे पीछा नहीं छोड़ा पाएंगे। कर्म ना करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर कुछ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इस काम को करना ही है, तो अब से हम क्यों ना अच्छे कर्म करने शुरू कर दें। अच्छे कर्म मतलब दुनिया के सामने कोई दिखावा नहीं, उसको इम्प्रेस करने के लिए कोई नाटक नहीं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ना नाटक भरी ज़िंदगी जीते हैं, तो वो सब नहीं करेंगे। अब से हम ना सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाएंगे, बस हम वो फॉर्मेलिटीज़ करना बंद कर देंगे जो हम दुनिया को खुश करने के लिए अपना एक दूसरा ही इमेजिनरी कैरेक्टर दिखाते रहते हैं। अब हम वो नहीं करेंगे जो है।